राम राम भाई सभी को। तो प्रोफिट लॉस के नए पार्ट में स्वागत है भाई सभी का। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, जितने भी हाई लेवल के हैं ना सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे। और जितनी भी वीडियो बनाई भाई प्लेलिस्ट में है वह सारी देख लेना, आपके प्रॉफिट एंड लॉस का SSC लेवल तक कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है इन वीडियो को अगर देख जाते हो तो आप पेपर से पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 देख लो क्या कह रहा है। व्हेन प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20% अ मैन कैन बाय 2 किलो मोर शुगर देन अर्लियर 4 रुपीज़ 50। फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर बिफोर एंड आफ्टर डिक्रीजिंग द प्राइस। देखो क्या कह रहा है, व्हेन प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20%। देखो हमने पहले माना भाई हमारा प्राइस का शुगर का प्राइस था 100%, उसके बाद क्या है उसमें डिक्रीज हो गया है 20% का, तो अब कितना हो गया भाई 80%, समझ गए। अ मैन कैन बाय 2 किलो मोर शुगर, मतलब उसका प्राइस डिक्रीज हो गया, तो कि बंदे ने क्या करा, जो जितने रुपये दे रहा था एक दिन गया तो प्राइस डिक्रीज, तो 50 रुपये में उसने 2 किलो चीनी फालतू मिल गई। तो हमने प्राइस ऑफ शुगर बिफोर एंड आफ्टर डिक्रीजिंग द प्राइस, तो भाई इसमें मैं थर तक कहूँगा बस तुम एक बात समझ लो। देखो यो होता है प्राइस का रेशियो, अगर हम करें 20/100, अगर हमने जो खपत है हमारी खपत बढ़ानी या घटानी। देखो मैंने पहले भी क्वेश्चन कराए थे कि भाई हमारा प्राइस अब डिक्रीज हो रहा है 80% थे, तो हमने खपत कितनी बढ़ानी पड़ेगी कि हमारा कोई भी चेंज ना आवे। तो खपत की रेशियो क्या होती थी, 20 जितना डिक्रीज हो, बटे में हम यो वाली वैल्यू रख देते थे भाई 80। यह बात समझनी थी बस तुमने। तो जो खपत की है, मतलब खपत की हमने पहले खपत कितनी कर रहे थे, तो 20/80 आ गई, इसने काट लो तो कितना रहा 1/4। तो यो तो थी हमारी पहले की खपत जो प्राइस डिक्रीज होने से पहले की थी, और ये है हमारा कितनी खपत में डिक्रीज हुआ है, खपत में सॉरी इंक्रीज, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हुआ है तो खपत हमने बढ़ानी पड़ेगी, तो खपत में कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास खपत है, खपत मतलब कोई चीज़ हम कितनी खा रहे हैं या खा रहे हैं, मतलब या है, प्राइस की रेशियो नहीं है। तो देखो जो यह खपत हमारी बढ़ी है वाई 1 यूनिट, और जो पहले की खपत है वह है 4, ठीक है। तो बाद की खपत कितनी हो जाएगी, देखो 4 थी पहले की खपत बढ़ गई है या, तो बाद की कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, इब हम कितना खा रहे हैं 5। तो उसने क्या कहा भाई, अ मैन कैन बाय 2 किलो मोर शुगर देन अर्लियर, मतलब खपत मतलब प्राइस डिक्रीज होने पर या जो खपत बढ़ी है तो कितनी है, जो 1 यूनिट दे रखी ना वो बराबर दे रखी भाई 2 किलो के, समझ गया बात, यह बात समझाना चाह रहा था मैं तरते। तो पहले ही खपत कितनी थी, 1 यूनिट बराबर 2 किलो, तो पहले कितनी थी 4 × 8 अरीब कितनी होगी 5 × 10 किलो, पहले ले रहा था वो 8 किलो 50 रुपये में, ईब ले रहा है 10 किलो 50 रुपये में, तो हम प्राइस निकाल सकते हैं। तो प्राइस क्या आएगा भाई, एक तो जा 50/8 जो कि हो पहले का प्राइस, और उसके बाद जो बाद का प्राइस निकालना वो कैसे निकलेगा हमारा 50/10 करके, तो क्या क्या हो जाएगी, देखो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी बाद की तो हो जाएगी 5 रुपये प्रति किलो, और इसकी क्या हो जाएगी 8 × 48 बच गया 2 × 8 = 16 4 × 8 = 40, तो 6.25 होगी ये उसकी दूसरी वैल्यू। तो फिर देखो क्या है, प्राइस पहले कितना था 6.25, उसके बाद क्या है डिक्रीज हो गया था, तो ये कितना हो गया 5 रुपये प्रति किलो। देखो सिंपल सी बात है, दोबारा बता देता हूँ एक बार, 100% था हमारा प्राइस, डिक्रीज हुआ कितने से 20% से, तो अगर हमने खपत की रेशियो निकालनी है तो क्या करेंगे, जो हमने खपत बढ़ानी पड़ेगी अगर हमने प्राइस सेम रखना, तो 20/80 हो गया खपत की रेशियो, खपत कोई भी हम जो चीज़ खा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो वह होगी, तो 20/80 हो गया 1/4, 1/1 का क्या मतलब भाई, जो खपत हमारी बढ़ी है और यह थी पहले की खपत, खपत बढ़ी है या पहले खपत, तो ई बाद में कितनी होगी 5, क्योंकि 4 × 1 = 5, अगर घटती तो 4 × 1 = 3 हो जाता, ठीक है। तो जो एक खपत बढ़ी है वो क्या करा भाई, 2 किलो मोर शुगर, मतलब यह जो 1 यूनिट है ना वो बराबर दे रखी है 2 के, तो 1 यूनिट बराबर है 2 के, तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 8 किलो की, या कितने बराबर 10 के, मतलब जो प्राइस पहले डिक्रीज नहीं हुआ था वो जब तो खा रहे थे 8 किलो, अगर प्राइस डिक्रीज होने के बाद ही खा रहे हैं 10 किलो, डिक्रीज जब तक नहीं हुआ था वो 8 किलो खा रहे थे, खपत बढ़ेगी उसकी क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो गया, उसी प्राइस में उसने मिल रहे हैं 10 किलो, तो पहले 50 के ले रहे थे 8 किलो, ये 50 के ले रहे हैं 10 किलो,
तो प्राइस कितना हो जाए 6.25 और इसका हो जाए 5 रुपये प्रति किलो, तो प्राइस डिक्रीज होगा कितने से, 20% से। अगर निकालोगे तो 20% ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बेसिक मैंने इसका बता दिया सारा कैसे करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, देखो क्या करना है, वो है सिस्टम सारा। व्हेन प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, 100% थी, उसके बाद क्या गया 20% से इंक्रीज हो गया प्लस के 20%, के क्या करना पड़ेगा, उसने खपत उसकी डिक्रीज होगी, तो कितनी डिक्रीज होगी 20 का, और बटे में बेस वैल्यू क्या है 120, तो 1/2 में आ गया 6, या है डिक्रीज जो कि घटी है, और यह क्या है ओरिजिनल, ओरिजिनल जो खपत थी, मतलब जो ओरिजिनल ये खाते थे पहले। तो मैन कैन बाय योर अ मैन कैन बाय 2 किलो लेस शुगर, मतलब 2 किलो कम खरीदता है, मतलब जो है 1 की वैल्यू है ना वह 2 दे रखी है, 2 किलो कम खरीदता है, डिक्रीज डिक्रीज घटी क्या है खपत है भैया, ठीक है। तो ओरिजिनल थी या डिक्रीज होगी 1, तो बाद की कितनी होगी 5, तो 1 यूनिट बराबर है 2 किलो की, तो पहले कितना खा रहा था 6 दुनी 12, और ईब कितना खा रहा है 5 दुनी 10, तो पहले खा रहा था 12 किलो, ईब खा रहा है 10 किलो, और रुपये हैं हमारे पास 50, तो 50 रुपये हैं, पहले खा रहा था 12 किलो, ईब खा रहा है 10 किलो, तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, 2 बज गया, बारह चौक 48 ले 20 बज गया भाई, 20 में 20 से 12 कितना जाओ 12 एकम 12, और फिर 8 बज जाएगा, फिर कितना जाओ 12, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 4.16 इसकी, और इसकी कितनी आ जाएगी 5 रुपये प्रति किलो। तो देखो प्राइस इंक्रीज़ हो गया, पहला था 4.16 ही हो गया 5, तो ये 20% से इंक्रीज़ हुआ है, तो निकाल के देख सकते हैं इसको। तो 45वां भी बिल्कुल सेम तरीका था, ये एक बिल्कुल सेम। अगला भी देख लो, अगला भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेवल के भाई ये। उसके बाद क्वेश्चन देख लो 46वां में क्या कह रहा है, व्हेन प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, पहला प्राइस मान लिया हमने 100% था, उसके बाद क्या कर रहा है इंक्रीज कर गया 20% से, मतलब 120% होगी। अ मैन कैन बाय 10 किलो लेस शुगर, तो पहला तो हमने खपत की रेशियो, खपत की रेशियो कैसी आएगी, कितना डिक्रीज करना पड़ेगी उसने, खपत 20 से कम करनी पड़ेगी अगर उसने अपना खर्चा बराबर रखना है, और बटे में आ जाएगा 120, तो कितना आ जाएगी 1/6, तो यह है घटी हुई खपत, और यह है ओरिजिनल, या घटगी या ओरिजिनल थी, तो बाद की कितनी होगी 5, क्योंकि 6 में तो 1 गया 5, और या थी 6 ओरिजिनल, और जो यह घटी है ना अमेन कैन बाय 10 किलो लेस शुगर, जो घटी हुई है ना वह 1 यूनिट बराबर दे रखी है 10 किलो की, तो यह कितनी हो जाएगी 50 किलो, और यह होगी 60 किलो, मतलब पहले खरीद रहा था 60 किलो, ईब खरीद रहा है 5 किलो, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया है 20% से। तो हमने बताना है कि भाई कितना उसका रेट था, तो 150 में पहला खरीद रहा था 60 किलो, और ये 150 में खरीद रहा है 5 किलो 50 किलो, तो इसका आ जाएगा भाई 6 दुनी 12, 3 बज गया 6 5 30, तो 2.5 किलो रुपये प्रति किलो आंसर आ गया इसका, और ये कट गया 3 रुपये प्रति किलो आ गया इसका। तो दोनों प्राइस पूछ रखे बता रखे हैं बता दिए हैं, लेकिन इसने पूछा है फाइंड द रियल प्राइस ऑफ द शुगर, रियल प्राइस जो पहले था तो हो जाए 2.5, उसके बाद 20% से इंक्रीज हो गया जो कि हो गया हमारे पास 3 रुपये प्रति किलो। अगले क्वेश्चन देख लो भाई 47वां, अगर पिछले क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट करके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार क्वेश्चन, आई बार आए हैं पेपर में। 47वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 10%, अ मैन कैन बाय 5 किलो मोर शुगर, देखो पहला था 100%, प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 10%, 100 था 90 हो गया, खपत की रेशियो क्या होगी भाई, देखो 10 का डिक्रीज हुआ है तो खपत कितनी होगी 10 से बढ़ानी पड़ेगी, बटे में 90, तो 1/90, जो 1 है इंक्रीज, क्योंकि देखो 90 है 90 तो 100 जाना, तो 1/10 हमने बढ़ानी पड़ेगी, तो इंक्रीज, और यह होगी ओरिजिनल, और बढ़ी हुई कितनी होगी 10 यूनिट। अ मैन कैन बाय 5 किलो मोर शुगर, तो देखो ई प्राइस डिक्रीज़ हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई
वो फालतू खरीदेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ का प्राइस डिक्रीज होगा, किसी की भी मूल्य घटेगा तो ज़्यादा चीज़ खरीदा उसकी। तो इंक्रीज कितने का है, एक का, और वो इंक्रीज कितने का है, 5 किलो मोर, मतलब 1 यूनिट बराबर है 5 किलो की। तो पहले कितना है, 9545 किलो, ये था ओरिजिनल, और बाद में कितने खरीदने लग गया, 10, तो ये बाद के आगे 50 किलो। तो रुपये उसने दे रखा है 4 रुपीज़ 200, तो पहले खरीद रहा था भाई 200 के 45 किलो, ये खरीद रहा है 200 के 50 किलो, तो हमने रेट बटाना है, तो 5 नहीं 45, 5 चौके 20, और ये हो जाएगा 5 चौके 20, ये 4 हो जाएगा, ये 40/9 हो जाएगा। तो प्राइस फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर आफ्टर इंक्रीजिंग द प्राइस, आफ्टर इंक्रीजिंग द प्राइस आ जाएगा 4, और पहले पूछ रखा इसने 40/9 कर लो, इसने डेसीमल में कर लेना, ये आ जाएगा इसका डिक्रीज होने से पहले का प्राइस। उसके बाद 48वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वैन प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 10%, मतलब 100% था इंक्रीज हो गया है 10 से, मतलब ये कितना हो गया 110, और उनकी खपत कितनी डिक्रीज करनी पड़ेगी, 10 से डिक्रीज करनी पड़ेगी, अगर उसने मूल्य अपना खर्चा बचाना है तो 10/110 या किसी खपत, तो 1/11, तो यह था इसकी डिक्रीज की खपत घटानी। देखो प्राइस इंक्रीज होगा तो खपत आएगी डिक्रीज ऊपर, और या नीचे आएगी ओरिजिनल, और प्राइस इंक्रीज होएगा, प्राइस डिक्रीज होएगा तो खपत हमें बढ़ानी पड़ेगी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमने खपत घटानी पड़ेगी। तो ये 1 यूनिट बराबर आई है डिक्रीज की, और यह आई है ओरिजिनल वैल्यू, और यो बाद की वैल्यू न्यू जो वैल्यू है, जो न्यू खपत है वह कितनी आएगी, 10, और एक डिक्रीज हो रहा है तो मतलब ये हो जाएगी 11 में 1 क्या 10। तो पहले 11 यूनिट ही खा रहे हैं, 10 10 यूनिट, और दे रखा है 5 किलो लेस शुगर, मतलब एक जो यूनिट है वह बराबर है 5 किलो की। तो ये कितने हो गया, 11 पंजे 55, और 10 पंजे 50, मतलब पहले खा रहे थे 55 किलो, ईब खा रहे हैं 50 किलो, कितने रुपए में खा रहे थे, 200 200 रुपये में, तो बटे में 200। फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर बिफोर एंड आफ्टर इंक्रीजिंग द प्राइस, तो 5 तक काट दो भाई, तो 40/11 11 33, और बच गया 6, तो 11 पंजे 55, तो 11 तीये 33, 7 बज गया, तो 11 6 66 पर जाओगा भाई, फिर 11 मतलब 3.66 चला गया, फिर 3 आ जाए, फिर वो 3.63 इसका अप्रोक्स आ जाएगी वैल्यू, और इसने काटो तो ये पूरा चला जाएगा, ये आ जाएगी 4 रुपये प्रति किलो, मतलब पहला थी 3.63, फिर उसके बाद क्या आया, 10% का इंक्रीज आया, तो आ गई हमारे पास 4 रुपये प्रति किलो उसकी अमाउंट। उसके बाद है 49वां क्वेश्चन, 49वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नंदन ने 20 दर्जन कापी 100 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदी, इनमें से 5 दर्जन को 10% लाभ पर तथा 15% को 20% लाभ से बेच दिया गया, इस पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। इंग्लिश में और पढ़ देता हूँ, नंदन बोट 20 दर्जन कॉपीज फॉर 100 रुपीज़ प्रति डजन, ही सोल्ड 5 डजन कॉपी एट द रेट प्रॉफिट ऑफ 50% एंड रिमेनिंग एट द 20%। तो देखो क्या करे उसने, 20 दर्जन सी हमारे पास टोटल, मतलब 5 दर्जन आउट ऑफ 20 उसने बेची हैं 10% के प्रॉफिट पे, रिमेनिंग एट द प्रॉफिट ऑफ 10% एंड रिमेनिंग एट 20% प्रॉफिट, रिमेनिंग कितना रह गया, मतलब भाई जो 15 दर्जन है 20 में था वह बेची उसने कितने में, 20% प्रॉफिट पे। तो देखो क्वेश्चन सिंपल बना लेंगे या हम इसने काट लेंगे, तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20, तो मतलब जो एक पार्ट है 4 में तो वो बेचा 10% पे, और 5 तीय 15 और 5 चौके 20, देखो टोटल कॉपी हमारे पास सेम ही रहेंगी, 4 है याड भी 4 है, तो और जो 3 पार्ट हैं वे बेची थी उसने 20% प्रॉफिट पे, तो क्या करें, देखो जो एक पार्ट था उसने बेचा 10% प्रॉफिट पे भाई, तो टोटल कितना प्रॉफिट हो गया 10% का। उसके बाद क्या करें, जो तीसरा पार्ट था वो बेच दिया इसने 20% प्रॉफिट पे, तो 20 दिए 60% हो गया। उसके बाद उसने क्या कहा, तो उसने क्या कहा उसके बाद कि भाई वो टोटल को फाइंड इज टोटल गेन परसेंट, कि भाई वो जो 4 के 4 पार्ट है कितने पे बेचे है, कि भाई देखो इसका सम आ जाए नीचे 10 60 और 10 हो जाए 70% टोटल, कि भाई उसे टोटल प्रॉफिट हो जाए 70% का, तो 4 हुए 4 पार्ट ने कितने पे बेचेगा,
तो चार को ऐसी किस भाग तक गुणा करें कि भाई हमारे पास 70% आ जाए। तो क्या करेंगे, यह वैल्यू निकालनी है, तो यह वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई वहाँ जाके आ करेगा डिवाइड, तो 70/40 करेंगे तो आ जाए हमारे पास 17.5, क्योंकि 4×1=4 3 बज गया, 4×7=28 और फिर 2 बज गया, फिर 0 पॉइंट के बाद 0 आ जाएगी और 4×5=20, तो 17.5 आ गया इसका आंसर। देखो एक बार फिर बता देता हूँ, क्या करें उसने 5/20 मतलब 1/4 मतलब एक पार्ट तो भेज दिया उन्होंने 10% पे, उसके बाद जो तीन पार्ट है वे भेज दिए उसने 20% पे, ठीक है। तो एक पार्ट तो बेचा 10% पे, तीन पार्ट बेचे 20% पे, तो एक गुणा में 10% मतलब एक पार्ट बेचा 10%, तो एक पार्ट का 10% तो 10%, और जो तीन पार्ट हैं एक पार्ट बेचा 20% पे उसके, तो तीन पार्ट 20% पे कितने हो गए 60% टोटल, इनका टोटल कितना हो गया 70%, मतलब हमने टोटल बनाना है 70%, और जो चार पार्ट का है ना एवरेज कितना आएगा, चार पार्ट का अगर हमने 70% निकालना है तो हमने कितने परसेंट बेचा, तो यह चीज़ भी निकालेंगे, तो यह आ गया और ये चार वहाँ जाकर डिवाइड तो आ जाए 17.5। एक बार अगला क्वेश्चन और देख लो, कति क्लियर हो जाएगा अगले तभी। तो भाई अलग अलग टाइप है इनकी, क्वेश्चन अलग अलग होंगे इसमें। तो 50वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए मैन बोट, एक व्यक्ति ने 4000 रुपये में चावल खरीदे, उसने एक तिहाई को 15% लाभ पर बेचा, शेष चावल को किस हानि प्रतिशत से बेचा जाए कि उसे इस व्यापार में न तो लाभ हो और ना ही हानि हो। तो देखो एक तिहाई मतलब 1/3, एक पार्ट जो 1/3 पूरा टोटल है तीन पार्ट, और उसमें तो एक पार्ट उसने क्या करा 15% प्रॉफिट में बेच दिया, ठीक है। शेष चावल को कितने मतलब क्या करना है उसको, देखो 1% बेचा उसने, एक भाग उसने 15% मतलब टोटल कितना हो गया 15% का, उसने एक तिहाई को 15% लाभ से बेचा, शेष चावल को किस हानि प्रतिशत से बेचे कि उसे इस व्यापार में न तो लाभ और न ही हानि हो। तो जो शेष पार्ट कितना बच गया भाई, देखो तीन है टोटल, एक पर हमने बेच दिया, एक बेच दिया हमने 15% का, तो बच कितना गया दो भाग, तीन भाग टोटल थे, एक भाग को भी दिया 15%, तो बच कितना गया दो भाग, तो इसने हम कितने परसेंट पे बेचे हैं, कितने हानि परसेंट पे, कि भाई जो टोटल जो 3% का भाग आओ ना वो हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाओ, कि भाई देखो क्या करना है तो लाभ और ना ही हानि हो, तो हमने क्या पढ़ना पड़ेगा यार, माइनस का 15 आएगा जब, ये तो यार 0 होगा, माइनस का 15 प्लस के 15 तो 0, तो यार हमने 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस्त मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 7.5, क्योंकि 7.5 × 15 तो 7.5% है हमारा आंसर इसका, समझे बात। दोबारा बता देता हूँ इसको, क्या कह रहे हो कि भाई 1/3 पार्ट जो एक पार्ट है ना, देखो टोटल पार्ट है हमारे पास इसके तीन, एक पार्ट को हमने बेच दिया 10-15% के प्रॉफिट पे, तो कितने के बराबर आ गया 15% टोटल, और बच कितने भाग, कितने बच गए, एक भाग तो बेच दिया, दो भाग बच गई, तो उसने कहा कि भाई दूसरा जो रिमेनिंग भाग है शेष चावल को किस हानि प्रतिशत बेचा जाए, मतलब हानि आएगी कि भाई जो हमारा पर टोटल आए वो हमारा 0 आए, मतलब 15 प्लस का है तो यार माइनस का 15 लेना पड़ा, माइनस का 15 लेने के लिए क्या करना है, माइनस के 7.5 तो मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब है लॉस, तो 7.5 आ गया इसका लॉस, लॉस का मतलब माइनस है तो माइनस लगा दिया, मतलब माइनस का 7.5% इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उसके बाद देख लो 51वां क्वेश्चन, अ मैन बोट 100 मैंगो एट द रेट ऑफ 2 रुपी पर मैंगो, ही सोल्ड 2/5 पार्ट एट द रेट ऑफ 10% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग एट 16% प्रॉफिट, फाइंड इज गेन परसेंट। देखो क्या है, टोटल पार्ट है हमारे पास 5 है, उसने जो दो भाग है ना वो बेच दिए 10-10% के ईच पर, मतलब दो भाग बेचे 10%, टोटल कितना हो गया इसका प्रॉफिट 20% हो गया, रिमेनिंग एट 16%, रिमेन कितना बच गया, देखो दो तो हमने यूज़ कर लिया, रिमेन कितना हो गया 3, उसने बेचे हुए 16% के प्रॉफिट पर, तो 16 × 3 = 48, 6 × 3 = 18, 1 × 3 = 1, 3 = 4, और टोटल कितना हमारे पास ही का, देखो 8 × 4 = 2 = 6%, 68% आ गया, फाइंड इज टोटल गेन परसेंट, तो जो चार भाग को वो कितने परसेंट टोटल के कितना लाभ है बेचे कि भाई 68 आओ, तो यह वैल्यू निकाल लीजिए, हमने एक्स मान लो, एक्स किसके बराबर हो जाएगी 68/4, तो 4×1=4 दो बज गया, 4×7=28 तो 17% आ गया हमारे पास इसका, तो
तो यहाँ पीछे गलती होगी भाई थोड़ी, यहाँ तीन और दो, चूँकि टोटल हमारे पास पाँच था तो एडम चार ले लिया था, तो ये एडम हमारे पास पाँच आना है। तो फाइव इंटू में एक्स, तो फाइव इंटू में एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी, तो कितना आ जाएगा, अड़सठ बटे में पाँच होएगा भाई, तो कितना आ जाएगा, पाँच एकम पाँच, एक बज गया एडम, पाँच तीय पंद्रह, तीन बज गया अब तो पाँच छिक्के तीस, तो 13.6% आ जाएगा इसका हमारे पास आंसर। तो ये जो वैल्यू दे रखी है इनका कोई भी यूज़ नहीं है, बस जो पार्ट वाला क्वेश्चन दिख जाए भाई, टू बाई फिफ्थ पार्टी देने पे दो पार्टीज पे बेचे हैं, तीन पार्टीज पे बेचे हैं, टोटल कितने बेचेगा, तो ये वाला मेथड आपने यूज़ करना है इन क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद देख लो अगला सेट क्वेश्चन का क्या कह रहा है, बावन में, सम पार्टिकल्स वर बोट फोर रुपीज़ 450, आउट ऑफ दिस वन थर्ड वाज सोल्ड एट 10%। देखो ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, वन थर्ड मतलब वन थर्ड का क्या मतलब होता है कि भाई तीन तो हमारे पास क्या है टोटल, तीन टोटल में से एक पार्ट, एक पार्ट क्या करें उसने, वन थर्ड वार सोल्ड एट 10% लॉस, माइनस 10 का लॉस हो गया, मतलब माइनस का 10 ले लिया मैंने, तो टोटल कितना आ गया, माइनस का 10%, मतलब वन थर्ड पार्ट मतलब तीन तीन चीज़ें, मतलब एक चीज़ उसने 10% लॉस में बेची, तो माइनस का 10 हो गया, वार सोल्ड एट 10% लॉस, एट वट प्रॉफिट रिमेनिंग शुड बी सोल्ड, रिमेनिंग कितना है, तो यह हमने निकालनी है कि कितने प्रॉफिट मतलब प्लस का एक्स, कितने प्रॉफिट बेचा है, बट रिमेनिंग शुड बी सोल्ड सो दैट देर इज़ ए गेन ऑफ 20%, मतलब जो टोटल है ना हमारे पास 20% का गेन आना चाहिए। तो हम इसमें चीज़ में देखो क्या ऐड करें कि भाई हमारे पास टोटल करके इसका 20 आवे, तो देखो हम यहाँ 30% ऐड कर सकते हैं, तो 30 में तो 10 गया 20 हो जाएगा, और यह ऐड 30 बनाने के लिए हमने यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 को 15 तक गुणा करना पड़ेगा, तो यह है तुमने निकालना था, तो 2 × 15 = 30 के, तो 15% का हो जाए हमारे पास इसका प्रॉफिट। तो बावनवे क्वेश्चन में देखो भाई क्या है, सम आर्टिकल बोट एट रुपीज़ 450, आउट ऑफ दिस वन थर्ड पार्ट वाज सोल्ड एट 10%। तो मतलब क्या है, वन थर्ड मतलब तीन पार्ट तो हमारे पास टोटल, इसमें तो जो एक पार्ट है ना वो इसने क्या करा है 10% के लॉस पर, मतलब माइनस के 10% माइनस लगाया हमने लॉस के उस टाइम, तो कितना गया, माइनस का 10% हो गया। तो उसके बाद उसने क्या कह रहा है, एट वट प्रॉफिट परसेंट रिमेनिंग शुड बी सोल्ड, मतलब जो बच गया कितना 2% का, दो भाग बच गए, तो उसने हम इसको कितने परसेंट के बेचे हैं कि भाई सो दैट देर इज़ ए गेन ऑफ 20% टोटल, कि भाई जो तीन भाग है ना टोटल तीन भाग का 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐड कितना आएगा 60, क्योंकि तीन भाग एक का 20% भाग, तो तीन भाग का कितना हो जाएगा 60% का टोटल प्रॉफिट, तो ये ऐड देखो हमने बनाना नीचे 60, तो ऐड कितना होगा भाई, देखो 70 होगा ऐड, सबने पता है क्योंकि 70 में तो 10 गए 60 बचेगा, और दो ने कितने तो मल्टीप्लाई करेगी भाई 70 आवे, तो ये होगा 35% इसका आंसर, तो 35% हो गया इसका आंसर, तो सी आ गया इसका आंसर, ठीक है भाई। उसके बाद देख लो 53 में क्या कह रहा है, अ मैन बोट 100 बनानास फोर रुपीज़ 250, ही सोल्ड 50 एट 10% प्रॉफिट, एट वट प्रॉफिट रिमेनिंग शुड बी सोल्ड सो दैट देर इज ए 20% प्रॉफिट। देखो टोटल थे 250 बनाना, मतलब 50 बनाना आउट ऑफ 250, मतलब 1/5, मतलब टोटल थे 5, उसमें तो एक भाग बेच दिया उसने 10% प्रॉफिट पर, मतलब एक भाग बेचा ना 10% प्रॉफिट, इससे का कितना हो गया 10% टोटल, एट वट प्रॉफिट रिमेनिंग शुड बी सोल्ड सो दैट देर इज ए 20% प्रॉफिट, रिमेनिंग कितना है, चार को कितने प्रॉफिट में बेचे हैं कि भाई जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना हमारे पास टोटल, टोटल प्रॉफिट होगा 20% का ईच, तो चार पाँच को 20% का होता है 5 × 100, तो ऐड कितना आगा भाई 90, इसमें भाई 250 रुपीज़ दे रखे हैं, तो 50 मैंगो सोल्ड 50 एट, थोड़ी मिस्टेक, तो 54वें में उसने 53वें में क्या कहा है कि भाई 50 जो बेचे 50 ही सोल्ड 50, अ मैन बोट 100 बनाना 4 रुपीज़ 250, ही सोल्ड 50, जो 50 बेचे उन्होंने कितने टोटल कितने थे, मतलब 1/2 हो गया, दो थे हमारे पास टोटल
और जो वन पार्ट था, वन पार्ट उसने भेज दिया 10% प्रॉफिट पे, तो कितने का होगा टोटल प्रॉफिट 10% का। जो बचा है भाग, कितना बच कितना का भाग एक, वो उसने कितने पे बेचा है कि भाई जो उसका टोटल जो प्रॉफिट हुआ है, सो दैट देयर इज 20% प्रॉफिट, 20% का ईच का प्रॉफिट हो, मतलब कितना टोटल 40 का। तो इसमें हम कितना ऐड करें, 30%, यहाँ 30% बना, तो इसने एक को कितने तक करना पड़ेगा 30% तक गुणा, तो एक गुणा में 30 बराबर आ गया 30% के, ठीक है। तो ये हो गया 53वां क्वेश्चन। उसके बाद देख लो 54, 54 में क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 320 रुपये में बेचकर एक व्यापारी 20% का लाभ कमाता है, 30% लाभ कमाने के लिए उसे विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी चाहिए, वस्तु का क्रय विक्रय और नए पुराने मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है भाई, अ मर्चेंट अर्न 20% प्रॉफिट टू सेल एन आर्टिकल फॉर ₹320। तो हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया 100%, उसने क्या मर्चेंट ने क्या करा, अर्न कराया 20% का, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगी 120% की, और वो किसके बराबर दे रखी है 320 रुपये के, तो 120% है 320 रुपये के, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100%, कितने के बराबर आएगा 320/120 गुणा में 100, या 0 0 12, 2 6 12, 2 2 2 6 12, 2 3 6, तो यह आ जा 16 × 50/3, यह जा 5 6 30 0 3, 5 1 5 3 8 16 5 80, और बटे में 3, मतलब यह आ गई इसकी सेलिंग प्राइस, नहीं कॉस्ट प्राइस सॉरी, क्योंकि हमने 100% निकाला है वो होती है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस आ गई हमारे पास 800/3। द हाउ मच इंक्रीज सेलिंग प्राइस टू अर्न 30% प्रॉफिट, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड ओल्ड सेलिंग प्राइस। तो उसने क्या कहा भाई, हाउ मच सेलिंग प्राइस शुड बी इंक्रीज टू अर्न 30% प्रॉफिट, मतलब 130% करना है हमने, तो 100% तो था 800/3 के, तो अभी 130% बनाना भाई, तो 100% कितना 800/3 के, 100% बराबर 803 के, तो 1% किसके बराबर है बटे में 100, और 130 के बराबर गुणा में 130, तो 10 तो यहाँ 0 गई, इस 0 तो यहाँ 0 गई, इसने जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसने सोल्व करोगे भाई अपना आएगा 340.67 इसका आ जाएगा आंसर। तो हमने बताना कि भाई कितने का इंक्रीज हुआ है, तो कितने का आ जाए 26.67 का इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये था पहले का सेलिंग प्राइस और ये है नया सेलिंग प्राइस। तो भाई वीडियो ये थे लास्ट, इसके बाद एक और वीडियो बनाएगी, उसके बाद सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, मतलब सारे के सारे टाइप हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, तो देखते रहिए भाई, और बढ़िया लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया।